नमस्ते। चलिए आज हम अपना तीसरा पाठ शुरू करते हैं। एक दिन जब घड़ी रुक गई। सो यू ऑल नो व्हाट इज घड़ी। घड़ी मींस क्लॉक या वॉच, बोथ वी कैन से। ओके, इन हिंदी वी से घड़ी। व्हाट हैपेंड व्हेन द क्लॉक स्टॉप्स वन डे, दैट इज व्हाट इज एक दिन जब घड़ी रुक गई। लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। एक था गुलगुल सिंह, वह खुशीनगर नाम के शहर में रहता था। वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था। गुलगुल सिंह का काम शहर की सभी घड़ियों के समय की देखरेख करना था। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? हिज नेम इज गुलगुल सिंह। वेयर डज ही लिव? ही लिव्स इन खुशीनगर। ओके, वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था। दैट मीन्स ही वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड ही लाइक्ड टू बी हैप्पी ऑलवेज। व्यक्ति मीन्स इट्स पर्सन। गुलगुल सिंह का काम शहर की सभी घड़ियों की समय की देखरेख करना था। दैट मीन्स हिज ड्यूटी वॉज टू सी वेदर ऑल द क्लॉक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस was working or not. In other words, was in a working condition or not. So, let me once again read that paragraph. Ek tha Gulgul Singh. Vah Khushi Nagar naam ke shahar mein rehta tha. Vah sabse jyada khush rehne wala vyakti tha. Gulgul Singh ka kaam shahar ki sabhi ghadiyon ke समय की देखरेख कर रहा था। सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? हिज नेम इज गुलगुल सिंह। ही लिव्स इन खुशीनगर। शहर मींस इट्स अ सिटी और प्लेस। वह सबसे ज्यादा ही वांटेड टू बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, और ही वाज अ हैप्पी पर्सन। हिज ड्यूटी, काम मींस हिज ड्यूटी। हिज ड्यूटी वाज टू चेक whether all the clocks of that place was in working condition or not. Now we will move to the second paragraph. Shahar mein ek badi ghadi thi. Now what does that mean? Badi ghadi means there was a big clock in that city. Bas subah suraj ugne par bajti thi. That means early in the morning when the sun rises, during that time it rings. How? Ding dong, bing bong. और सभी लोग जाग जाते थे। So, while hearing that sound, the people all woke up. गुलगुल सिंह उस घड़ी को सही समय पर बजाता था। But it was a duty of गुलगुल सिंह that it rang at the correct time. And because it did rang, इसीलिए सारा शहर गुलगुल सिंह से बहुत खुश था। सो एवरीबडी इन दैट प्लेस वॉज हैप्पी विद द ड्यूटी ऑफ गुलगुल सिंह बिकॉज इट रैंग करेक्टली एट दैट करेक्ट मोमेंट एंड एवरीबडी यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग हियरिंग दैट साउंड ऑफ द क्लॉक। सो आई होप द सेकेंड पैराग्राफ इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज।